द एरिया इंक्लोज बाई एंथ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं, चलो ये हमने हाइड्रोजन का एटम ले लिया और ये प्यारा सा छोटा सा न्यूक्लियस है सेंटर में। तो अब हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है जनरल, ये इसकी जो एरिया मान लो रेडियस इसका एंथ ऑर्बिट है, एंथ ऑर्बिट है एन सेल, तो इसकी जो एरिया हो जाएगी वो हो जाएगी पाई और रेडियस आर का स्क्वायर। तो रेडियस इन जनरल जो होता था हम लोग पढ़ गए थे एन आर नॉट, आर नॉट एन स्क्वायर अपन जेड। अगर हाइड्रोजन है तो रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट या एंथ सेल या एंथ एनर्जी लेवल का, ये वाली हमारी रेडियस है प्यारे बच्चों। तो ये जो रेडियस है तो एरिया ऑफ एंथ ऑर्बिट का कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ एंथ ऑर्बिट का देखो एरिया इनक्लोज बाय एंथ ऑर्बिट मतलब मैंने निकालना, तो पाई रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट आर नॉट एन का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो यह जाएगा पाई आर नॉट का स्क्वायर और एन की पावर फोर। दिस इज द एरिया ऑफ एंथ ऑर्बिट, ये क्या चीज़ निकल गया है प्यारे बच्चों बोलो। दिस इज बेसिकली नथिंग, दिस इज द एरिया ऑफ एंथ ऑर्बिट, एंथ ऑर्बिट की एरिया। अब ये कहता किसके किसके बीच ग्राफ बनाना है, रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट और एन इज इक्वल टू वन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस देखो, तो फर्स्ट ऑर्बिट की अगर रेडियस देखोगे तो एन इज इक्वल टू वन के लिए, तो एरिया ए वन इज इक्वल टू, ए वन इज इक्वल टू यहाँ से रखो तो ए वन एरिया ए वन इज इक्वल टू आ जाएगा पाई रेडियस आर वन स्क्वायर और आर वन स्क्वायर यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू वन के लिए, तो पाई आर नॉट पाई रेडियस एरिया रखोगे यहाँ पर रखोगे एन इज इक्वल टू वन तो रेडियस आ जाएगा एन इज इक्वल टू पाई आर नॉट स्क्वायर। तो ये जो एरिया है वो ए वन दैट इज रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, इसको अगर मैं यहाँ यूज कर लूँ ये वाला जो फैक्टर बन रहा है पाई आर नॉट का स्क्वायर, ये वाला जो चीज़ है प्यारे बच्चों वो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ए एन इज इक्वल टू ए वन और दैट इज एन की पावर फोर, तो ये वाली चीज। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ग्राफ बनाना है, किसके किसके बीच ग्राफ बनाना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमें निकालना है ए वन ए एन, ए एन अपन ए वन दैट इज इक्वल टू पाई की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की पावर फोर, ये वाली चीज़ आ गई एन की पावर फोर। अब लॉग ले लेना दोनों साइड, तो दोनों साइड अगर लॉग ले लूँ एल एन नेचुरल लॉग एल एन, तो ये आ जाएगा ए एन अपन ए वन और ये आ जाएगा लॉग नेचुरल लॉग बेस ई एन की पावर फोर, मतलब ये आ जाएगा फोर टाइम्स लॉग ई एन, ठीक है। तो ये आ जाएगा लॉग ई और ये ए एन अपन ए एन, इसी को हम मैं ऐसे बोल दूंगा लॉग एल एन ए एन अपन ए वन और दैट इज फोर एल एन पी ए। तो ये वाला जो ग्राफ है इनके बीच अगर ग्राफ बनाया जाए, रिलेशन बनाया जाए, तो ये कैसा आ जाएगा। अब देखो आप मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो और इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी कि अगर ये वाली जो चीज़ है इसके बीच अगर ग्राफ बनाएं और इसके बीच अगर ग्राफ बनाएं, तो इसको मैं वाई प्लॉट कर दूं और एक्स प्लॉट कर दूं, तो ये ग्राफ बनेगा वाई इज इक्वल टू फोर टाइम्स एक्स। अब वाई इज इक्वल टू फोर टाइम्स एक्स कैसा ग्राफ होता है भाई, स्ट्रेट लाइन होता है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है जिसका स्लोप क्या है, स्लोप 4 है, है ना, क्लियर है ना। ड्रॉ कर दूं, चलो बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो y को मैं इधर प्लॉट करूं और x को मैं इधर प्लॉट करूं, तो ग्राफ ऐसा आता ओरिजिन से पास होगा जिसका स्लोप tan थीटा की जो वैल्यू आती है वो है 4, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। किसके बीच इधर प्लॉट किए हो ln an अपॉन a1 और इधर प्लॉट किए प्यारे बच्चों एल एल एन एन, तो ये वाला जो चीज़ है इस टाइप का ग्राफ आएगा जिसका स्लोप 4 होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, नेचर ओरिजिन से पास होगा। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें से सही होता है। ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है, विल स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 4, स्ट्रेट लाइन भी होगा जिसका स्लोप भी 4 होगा, ये भी सही है, मतलब ए भी सही है बी भी सही है। विल मोनोटोमिक इंक्रीज विद लीनियर कर्व, कर्व तो आएगा नहीं, सर्कल तो कभी नहीं पॉसिबल है।